कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं थोड़े से परेशान होंगे, क्योंकि अभी अभी 30 जून को सीटी पीजी का एग्ज़ाम समाप्त हुई है। तो आपके मन में लगातार सवाल उठ रही होगी कि सर, सीटी पीजी का आंसर की कब आएगी, सीटी पीजी का रियल डेट यानी रियल्ट कब तक आएगी। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग को परेशान नहीं होना है, सीटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना है। हर एक अपडेट आपको सीटी कॉन्सेप्ट से मिलते रहेगी समय समय पे। अभी आप लोग देख रहे होंगे एनटीए ने गजब का खेला किया है सीटी यूजी वालों के साथ। आंसर की तो दिया है, लेकिन कई सारे आंसर की में गलती कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारा परेशानी आपके लिए बनने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पास है कॉन्सेप्ट, तो आपको बने रहना है। देखिए, सबसे खास बात क्या है कि सीटी का पेटेंट को आपको समझना पड़ेगा। पिछले साल भी हम लोगों ने अपडेट दिया, इस साल भी हम लोग दे रहे हैं। तो एनटीए का क्या पैटर्न है, कब तक एग्जाम लेती है, आपको पता ही है। एक बार एग्जाम डेट आता है तो उस डेट पे एग्जाम नहीं करा पाती है एनटीए, फिर डेट बढ़ते चला जाता है। इसी प्रकार हम लोग अभी देखेंगे, हम अपने अनुसार आपको अभी बताने वाले हैं कि आपका जो है आंसर की कब तक आ सकती है। सीटी यूजी वाला वीडियो हम बना चुके हैं, इस वीडियो में बात करेंगे सीटी पीजी के बारे में। देखिए, सीटी पीजी के आंसर की डेट को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सीटी यूजी के साथ क्या क्या हुआ था। सबसे पहले सीटी यूजी का एक फाइनल डेट आया था कि 21 मई से 31 मई के बीच एग्जाम होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 से 31 मई के बीच। लेकिन हुआ क्या, 31 मई नहीं, 23 जून तक एग्जाम डेट चला गया, बढ़ते चला गया। तो 23 जून को जब समाप्त हुई तो सबका एक साथ आंसर की आया। सबका एक साथ आंसर की कब आया, एक सप्ताह बाद 30 जून को आया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, देखिए थोड़ा सा सर्व रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी अभी आपका एग्जाम समाप्त हो गया, सबका हो गया सीटी पीजी का। तो 30 जून को आपका एग्जाम समाप्त हो गया, तो जैसे यूजी का एग्जाम समाप्त हुआ, एक सप्ताह बाद आया सीटी यूजी का आंसर की, उसी प्रकार एक सप्ताह बाद आपका सीटी पीजी का आंसर की आने की संभावना है। हो सकता है 2-3 दिन विलंब हो जाए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सीटी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी अपडेट आएगा सब अपडेट आपके पास पहुंचाएगा। ये जो दिया गया नंबर है 9651222407, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा। जब भी आप परेशान होइएगा, लगे रहते हैं एकदम दिन भर आपके लिए। अब देखिए, आप सभी लोग बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम समाप्त हो गई, कब हुई है, 30 जून को। तो आप मान के चलिए कि एक सप्ताह बाद, मान के चलिए आप 8 जुलाई के आसपास आपका आंसर की आने की संभावना है। बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेट करेगा एनटीए, क्योंकि एनटीए का काम है लेट करना। हो सकता है 2 दिन लेट हो जाए, परेशान नहीं होइएगा, हम है ना हर एक अपडेट देंगे। अब देखिए, ये आंसर की के बारे में बात कर लिए, तो आंसर की आने के बाद क्या होता है, यूजी वाला के साथ क्या हुआ है, बहुत सारा आंसर है गलत दे दिया एनटीए। अब बताइए, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, लेकिन दुआ करते हैं भगवान से कि आपके साथ ऐसा ना हो। अब देखिए, आंसर की आ जाने के बाद आपको 2 दिन टाइम मिलेगा, किसके लिए, तो हो सकता है एनटीए गलती करे, तो आपको चैलेंज करने के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। चैलेंज कर लीजिए, पैसा भी एनटीए लेंगे, कितना, 200 रुपया एक सवाल का। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब आंसर की को आप चैलेंज कर देंगे तो एनटीए को पता चल जाएगा कौन कौन आंसर पे क्लेम आया है, तो पुनः संशोधन करेंगे। संशोधन करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब समझ लेते हैं सीटी यूजी के बारे में। सीटी यूजी का आंसर की आ गया, रिजल्ट कब आएगा, मिड जुलाई यानी 15 जुलाई के आसपास सीटी यूजी का रिजल्ट आने की संभावना है। अब समझिएगा, सीटी यूजी का क्या हुआ था, पहले एग्जाम हुआ था समाप्त, उसके बाद आंसर की आया, यानी कि सीटी यूजी वाला पीजी से थोड़ा सा पहले सब काम हो रहा है। तो आप समझिएगा एक पैटर्न को, इसका मतलब है कि सीटी पीजी का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई के आसपास आने की संभावना बन रही है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए सीटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहना है। हर एक अपडेट आपको यहां से दिया जाएगा, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।